हम अपने घर पे थे सर, और घर ही पे थे, घर पे थोड़ी देर के बाद ये फोन आया कि आपका शोरूम जल रहा है, आग लगा दी गई। मेरे बेटे की शादी 10 नवंबर में, और 10 नवंबर में शादी है, और हम आपको दिखा दें कार्ड, कार्ड के ऊपर जो स्वागतांक्षी लिखा जाता है उसमें चार लोगों का ब्राह्मणों का नाम है। 10 नवंबर में शादी बेटे की है, उसमें जो हमारे पास 800 कार्ड छपे हमने, और 800 कार्ड में 650 कार्ड जो है मतलब हमारे 150 हमारी बिरादरी के, 650 हिंदू बिरादरी के कार्ड। बहराइच की हिंसा हुई, और उस हिंसा में एक बाइक का शोरूम भी आपने जलते हुए देखा। उस शोरूम के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, सईद अहमद साहब। जी 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 सईद साहब, उस वक्त जब ये घटना हुई आप उस वक्त कहाँ मौजूद थे, आपको कैसे पता चला? हम अपने घर पे थे सर, और घर ही पे थे, घर पे थोड़ी देर के बाद ये फोन आया कि आपका शोरूम जल रहा है, आग लगा दी गई है। हमने दो तीन लोगों से फ़ोन करके पूछा कि क्या सही है क्या गलत, कहना भैया आपका शोरूम जल रहा है, बहुत तेज़ी से जल रहा है। तो हमने जो है दो चार लोगों से फ़ोन करके बताया कि भाई जरा जगह खड़े हो जाइए आप लोग जाके, जो हमारे खास मित्र थे, बल्कि ये दो चार ब्राह्मण भी उस आगे उसके शोरूम के आगे आ गए कि भाई ये न फूको, हमारे जो दोस्त यार थे, लेकिन वो किसी ने सुना नहीं भाई, बस ये बात है। और हमारे पार्टनर अनूप कुमार शुक्ला जी साथ में हैं। पार्टनर कौन है आपके? अनूप कुमार शुक्ला जी। अच्छा, दो लोग हमारे पार्टनर मिलकर काम करते हैं। जी जी जी, सारा काम हम लोग मिलकर करते हैं, पूरा काम हमारा उनका, शुरू से बचपन से सारा काम होता है साथ में। मेरे बेटे की शादी 10 नवंबर में, और 10 नवंबर में शादी है, और हम आपको दिखा दें कार्ड, कार्ड के ऊपर जो स्वागतांक्षी लिखा जाता है उसमें चार लोगों का ब्राह्मणों का नाम है। ये हमारे उमाकांत त्रिपाठी जी ये हैं, ये सामने आप रेडीमेड की दुकान है, ये हमारी दुकान है, ये उमाकांत त्रिपाठी की दुकान है, और ये आपकी दुकान है, ये हमारी दुकान है, बगल में ये पूरी मार्केट अपनी है, ये पूरी मार्केट अपनी है, सब अगल बगल चल रहा है। जी जी, ये सामने सब पड़ोसी पड़ोसी जी, सब पड़ोसी का मतलब नहीं बल्कि घर के लोग हैं। और 10 नवंबर में शादी बेटे की है, उसमें जो हमारे पास 800 कार्ड छपे हमने, और 800 कार्ड में 650 कार्ड जो है मतलब हमारे 150 हमारी बिरादरी के, 650 हिंदू बिरादरी के कार्ड हैं। क्योंकि हम लोग हर जगह आना जाना उठना बैठना, मतलब इतना अच्छा माहौल यहाँ का था, सब खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? एक की वजह से सारा माहौल खराब। कौन एक है? वो ही रिंकू बता रहे हैं आप, जो गोली चलाई यहाँ पे, अब्दुल का परिवार। हाँ, अब्दुल का परिवार, उनकी वजह से सब खराब हो गया। अच्छा, कुछ गाने पाने बज रहे थे, क्या हुआ रे, थोड़ी देर के गम खा जाते भाई, ये सब चलता रहता है, गाना बज रहा है, बजने दो, अपना काम करो। लेकिन अब सब ऊपर वाले की मर्जी, सब जिसे होना था, जिसका नुकसान होना था उसका नुकसान हो गया। ये मौत भी हो गई इसमें? हाँ, उसी में एक लड़के की मौत हुई है, राम गोपाल मिश्रा। तो आप लोग मानते हैं कि वहाँ अब्दुल की तरफ से गलती हुई? गलती हुई भाई, सही है, गलती हो गई, गलती तो हुई है। अरे हम होते तो हम माफ़ी मांग लेते लोगों से, सब कुछ कर लेते, लेकिन हम लोग तो वो चाहते हैं कि मतलब अमन चाहिए, अमन रहे बस, सुकून चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, जो होना था वो हो गया। कितना नुकसान झेला? 1 करोड़ रुपए का लगभग। 34 गाड़ियाँ ऊपर थी, बाकी पीछे 8-10 गाड़ियाँ थी, और पूरा लैपटॉप था, कंप्यूटर था, एसी थी, कुछ पैसे थे, फर्नीचर था, कागज़ तमाम थे, कागज़ मतलब गाड़ियों के कागज़ होते हैं ना, गाड़ी ले जाते हैं लोग, बाद में कागज़ बन के आ जाते हैं, 700-800 कागज़, एक गाड़ी कागज़ का मतलब 1500-2000 रुपये, 15000-8000-7000 रुपये एक कागज़ था। आपने जो अपने शोरूम को जलते हुए नहीं देखा, आप चल वापस जब गए, जब आपने देखा कि आपका जो कमाई है आपकी और शुक्ला जी की, जो पूरी मेहनत की कमाई है, वो सारी ही बाइक्स और वो सब जली फूकी पड़ी हैं, तो पहला आपका क्या रिएक्शन था? भाई रिएक्शन क्या था, अफसोस करना है और क्या कर रहे हैं, किससे बात करें, किससे क्या कहें। हमारी बीपी बढ़ गई, 170-175 हो गई, घर वाले परेशान, बेटा एक परेशान हो गया, और क्या कर सकते हैं भाई। बाकी कहीं से अगर कंपनी वालों ने या किसी ने हेल्प कर दी तो ठीक है। सरकार से मदद चाहते हैं आप कुछ? बिल्कुल चाहते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती फिर बड़ी मेहनत से पैसा कमाया था भाई, 2-2 रुपये बटोरे जाते हैं, हर जगह जाना पड़ता है, आना पड़ता है लोगों से, जब भैया दादा प्यार से, सब तभी धंधा चलता है। सब कहानी हो गई ख़राब हम लोगों की, लेकिन अभी ऊपर वाले की मर्जी, सब उसकी मर्जी, जो हुआ क्या कहा जाए। आपकी आंखों में आंसू भी आ गए आप काफ़ी। जी 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 जी, मजबूरी, मेहनत, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, मेहनत से पैसा भी जमा लेते हैं। सईद अहमद साहब हैं, शुक्ला जी के साथ उनकी पार्टनरशिप है, दुकान चलाते हैं, और उस दिन हिंसा में इनकी आँख भी जल गई, इनकी दुकान भी जल गई, 1 करोड़ के ऊपर का नुकसान हो गया,
बता रहे हैं शादी के कार्ड छपवाए थे, उसमें दोनों ही सभी समुदाय के लोगों को बुलाया था, शायद ये नहीं देखा था कि कौन किस समुदाय का है। फिलहाल अब हालात यहाँ बेहतर होते दिख रहे हैं, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनकी पीड़ा बरकरार है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच।